हेलो गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हर हर लेडी का सुबह का काम शुरू हो जाता है और बहुत क्रिटिकल, मेरा ही नहीं, जितनी भी हाउस और जितनी भी पूरे देश इंडिया में जो भी होंगी सुबह का काम, तो सब सब के लिए बहुत ही भारी होता है और हैट्टिक होता है। तो ये मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। मेरे बेटे का आज पीटीएम है, तो मुझे पीटीएम भी जाना है। आराध्या को भी छोड़ना है और स्कूल छोड़ना है, और उसको लेने से पहले, उसको आराध्या को लाने से पहले, मुझे सबसे पहले जल्दी जल्दी उसका पीटीएम अटेंड करके घर आना है, ताकि मैं आराध्या को टाइम पे लेके आऊं। अब मैं फटाफट, मैं सबसे पहले उठ के 2 गर्म ग्लास पानी पीती हूँ, वार्म वाटर। उसके बाद मैं अपना चूड़ा बना देती हूँ ऊपर को, बालों को समेट के। फिर ये आराध्या की टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए फ्रेश वेजी सुबह सुबह फ्रेश बनाती हूँ, तो मैं उसके लिए टिफ़िन में भिंडी बना रही हूँ। हालांकि उसे भिंडी पसंद नहीं है, फिर भी मैं भिंडी बना रही हूँ। तो ये जल्दी 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 तो फटाफट मैं अपना काम करके आराध्या को भी, पीछे जैसे आप देख रहे हैं मैं आवाज़ दे रही हूँ, आराध्या फटाफट फटाफट खाओ, फिर रेडी करना है। उसे चौकोस दे रखा था मैंने उसको, मैं कहा फटाफट रेडी करती हूँ। उसने ब्रश तो कर लिया था, ब्रश करने के बाद वो चौकोस खा रही थी दूध में मिला के। बोलती है मुझे खाली दो, मुझे दूध में नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वो फिर वो हो जाती। फिर मैंने उसके बाद लंच वंच बनाया, फिर मैं आई, पता चला मैंने रात में प्रेस ही नहीं की थी, तब तो मेरा सर और दर्द हो जाता है। कपड़े ही प्रेस नहीं किए थे, फटाफट फटाफट कपड़े उसके प्रेस किए और फिर उसका मुँह हाथ धुलाया। सुबह सुबह मैं उसको नहलाती नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रखा था, ठंडा भी हो रखा था, और सुबह स्कूल जाना होता है उसे जल्दी में, तो स्कूटी में क्या होता है ठंडा लग जाता है, तो उसको तो जुखाम एकदम लगता है। तो मैं उसको स्कूल से आने पे ही नहलाती हूँ ज़्यादातर, सुबह एकदम नहीं नहलाती मैं उसको। तो उसको फटाफट उसके कपड़े वपड़े प्रेस किए, उसको मुँह हाथ धुलाया और फिर उसका टिफ़िन मैंने तैयार किया, लंच बॉक्स वगैरह बनाया, और फिर उसके बाद उसको रेडी किया। फटाफट फटाफट मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा ना लेट हो चुका था, और मैं आराध्या को डांट रही थी, और क्योंकि मैंने रात में प्रेस नहीं किए कपड़े, तो उससे और लेट हुआ। फटाफट मैं उसका लंच रख रही थी, मुझे बोल रही थी मुझे भिंडी नहीं ले जानी, भिंडी नहीं ले जानी। मैंने कहा पिटाई कर दूंगी, मैडम ने हेल्दी फूड बोला है, ऐसे वेजीज ले जानी है, उसको भिंडी पसंद नहीं है कि मुझे कुछ। फिर मैं उसको डांट रही थी, फटाफट फटाफट उसको जल्दी से मुँह हाथ धुलाया, फटाफट मैंने कहा जल्दी 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 कपड़े उतारो। बहुत वो करती है, बातें करती रहेगी करती रहेगी, मेरा दिमाग ख़राब करेगी बहुत जल्दी, ये मम्मी ऐसे मम्मी वैसे मम्मी अलाना फलाना बहुत ज़्यादा बोलती है फटाफट। और उसने तौले से साफ़ नहीं किया, मैंने कहा साफ़ किया। मैं फटाफट उसके कपड़े उतारे, उसको जल्दी से पाउडर डाला, पाउडर, और बोल रही थी मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मैं जल्दी से पाउडर डाल दें, कोई बात नहीं मम्मी खुजी हो रही है, मुझे खुजी हो रही है, खुजी हो रही है। मैं कहा पाउडर डाल के खुजी हट जाएगी तेरी। फटाफट उसको टी शर्ट वर्शर्ट पहनाई, उसके कपड़े वपड़े पहनाए, उसको रेडी किया, जल्दी से रेडी करके मैं उसको स्कूल ले गई। फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। अब मैंने हेलमेट पहन लिया, और जब मैं हेलमेट पहन लेती हूँ उसके बाद मेरी स्कूटी की चाबी मुझे मिलती ही नहीं है। फटाफट चिल्लाई मेरी स्कूटी की चाबी कहाँ है, स्कूटी की चाबी ली, उसको छोड़ा, और फिर उसको छोड़ के आई मैं, तो डोरा पहले ही अंदर आ जाता है, उसको रोटी दी, वो जैसे ही मैं स्कूटी खड़ी करती हूँ, मेरी जिठानी का बाहर डॉगी है उनका, वो सीधा अंदर आ जाता है मेरे पीछे पीछे, वो मलाई रोटी खाता है। जब उसको मैं मलाई रोटी अपने हाथ से खिलाऊंगी, नीचे रखूंगी तब नहीं खाएगा, हाथ से मलाई रोटी खिलाऊंगी तब वो जाएगा। उसको बाय किया, उसको मैं डोरा भट्ट बोलती हूँ, उसको बाय किया, गेट से बाहर गया, तब मैं ऊपर की तरफ आई, तब मैंने मोटर चलाई, तो मैंने कहा मोटर ऑन कर दी, तब मैं ऊपर देख के आई कि पानी की टंकी के ऊपर से नॉब ओपन है कि नहीं, और मौसम इतना सुहाना हो रखा था, क्योंकि बारिश हुई थी तो धूप भी आने वाली थी, पर अच्छा था मौसम। उसके बाद मैं नीचे आई, तो नीचे मैं कपड़े सुखा रही थी, जैसी मैं कपड़े सुखा रही थी बारिश भी शुरू हो गई, तो धूप भी तेज़ हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो मैंने कपड़े रहने दिए, क्योंकि बारिश अंदर की तरफ बालकनी में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा रहने दे अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ ब्रेक के बाद। इतनी भाग दौड़ हो गई है ना आज, आराध्या को छोड़ा स्कूल मैंने, और आज ही मेरे बेटे का, बड़े वाले बेटे अंश का पीटीएम, वो मैंने नहा धो लिया है, पूजा पाठ की है, कपड़े भी पहन लिए, और एप्रन मैंने आधा पहना कि मेरे वाइट वैसी टॉप पहना है ताकि खराब ना हो, और हम दोनों हो रहे हैं
लंच के पेटीएम के लिए रेडी है। उसका पेटीएम भी है और आराध्या की 12:35 छुट्टी हो जाती है, तो मुझे जल्दी 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 उसका पेटीएम अटेंड करके वापस आराध्या को भी लेने आना है। और आज मेरा प्रोग्राम है कि मैं अपना राशन पानी भी लेने जाऊँ। शैवी को नाश्ता दे दिया है, ये ब्रेकफास्ट दे दिया है, आज उसको ऐसी धक 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 हो रही है। हमें तो नहीं होती थी धक धक, और उसको तो इतनी धक धक हो रही है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा। पीटीएम के दिन उसको धक 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 होता है, क्या बोलेगी मैडम क्या बोलेगी मैडम, जो पेपर में किया होगा वही तो बोलेगी। फिर भी ये तो डर होना स्वाभाविक है बच्चों का, पीटीएम में मैडम क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। अच्छा मेरा बेटा कमेंट मार रहा है, अच्छा अभी तो मम्मी ऐसे बोल रही है क्योंकि मम्मी वीडियो बना रही है तो बोल रही है, स्वाभाविक है। जैसी वीडियो ऐड हो जाएगी टपाक 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 ताने शुरू हो जाएंगे, एकदम डायलॉग चेंज मेरी मम्मी। और चाहिए थोड़ी सी चाय ले ले, मेरा आप ले ले। मेरा बड़ा पतेला दिख रहा होगा कि ये मैंने बड़े पतेले में, जब मैं क्या क्या थोड़ा दूध बचा हुआ था पतेले में जिसमें दूध रहता ही है, दूध बचा हुआ था उसी में थोड़ा आधा कप पानी मिला के उसी में चाय बना ली, तो आपको साइड से दिख रहा होगा इतना बड़े पतेले में चाय बनाती है। नेक्स्ट उसमें मेरा दूध था बचा हुआ, उसी में पानी मिलाया और मैंने चाय बना दी। कौन दूसरा पतेला करे फिर उसको धो, इसलिए दूध के पतेले में पानी डाल दिया चाय बना दी। जल्दी जल्दी होती है मेरी पूछो मत, जिनके भी हस्बैंड हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिनके भी हस्बैंड दूर रहते हैं, किसी के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। बट जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मेरे को बहुत टेंशन होती है, क्योंकि आराध्या को लाना छोड़ना वही करते हैं और वो तो बीच बीच में मेरी हेल्प भी करते हैं, मैं बहुत फ्री हो जाती हूँ। पर जब वो चले जाते हैं बाहर जॉब पे मेरी बड़ी मुश्किल हो जाती है, भागम दौड़ भागम दौड़ भागम दौड़ भागम दौड़ हो जाती है। नहीं तो अभी वो होते साथ में, उन्होंने जाना था और मैंने घर का काम करना था, अभी मुझे घर का काम भी करना होता है और बाहर भी देखना होता है, भागम दौड़। अभी पूरा घर सफाई के लिए है, बस नहाए धोए हैं, पूजा की है, रात कुछ दूध छोड़ा है और अभी हम ये नाश्ता वास्ता करके बर्तन भी छोड़ देंगे और सीधा भागेंगे स्कूल के लिए। आके होता रहेगा काम, पहले काम निपटना चाहिए बाहर का। आप बताना लॉन्ग डिस्टेंस में किस तरह से मैनेज करते हो, जैसे मैं करती हूँ अंदर बाहर का काम। जिनके हस्बैंड फौज में हैं, बाहर हैं, विदेश हैं, तो बाहर काम करते हैं दूर, कभी कभी छुट्टियों में आते हैं, तो वो लोग कैसे करते हैं, मेरी तरह ही भागम दौड़ होती है उनकी भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे आप लोग काम करते हैं। मैंने भी नाश्ता ले लिया है, आज मैंने बनाई थी आराध्या के लंच के लिए ही, ब्रेकफास्ट तो मेरा सुबह ही बन जाता है क्योंकि मैं फ्रेश सब्जी बनाती हूँ बच्चों के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए फ्रेश ही वेजी बनाती हूँ। तो आज मैंने बनाई थी भिंडी और आराध्या को टिफ़िन में दी, वही सब्जी मैंने ज़्यादा बना दी थी, सुबह ही बना देती हूँ सब्जी, वो अंश को दे दिया, वो कर रहा है, अब मैं खाती हूँ। तो बाल कटे हुए हैं तो उसने अपनी स्कूल की कैप डाली है, हम दोनों तैयार हो गए हैं। ठीक है गाइस, हम रेडी हो गए हैं, मैंने निकाली अपनी स्कूटी मेरी धन्नो और हम चल पड़े स्कूल की तरफ। ये आ गए हम बाहर, घर से बाहर, बायपास रोड, हरिद्वार बायपास रोड,
और यहाँ से निकले हैं हम, अब ओलंपस हाई स्कूल है GMS रोड पर, तो वहाँ की तरफ बस अब हम थोड़ी देर में स्कूल पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर दो क्या, आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है। आ गए हम GMS रोड ओलंपस हाई स्कूल, ये साइड में स्कूटी की पार्किंग एरिया में, और अब हम स्कूल के अंदर एंट्री करते हुए हम आ गए हैं स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं थोड़ी सी चुपके से ले ली थी। फिर उसके बाद PTM अटेंड करने के बाद यहाँ पर बुक स्टॉल लगा था, बुक फेयर लगा था यहाँ पर छोटे बच्चों का, तो मैंने आराध्या के लिए अपनी बेटी के लिए छोटी स्टोरीज बुक और कलरिंग बुक ली। तो यहाँ पर फेयर लगा हुआ था छोटे बच्चों का, तो यहाँ पर हमने PTM अटेंड करने के बाद ज़रा बुक्स ली। सर एक मिनट देखो आप। थैंक यू मैम। आपका कहाँ पे स्टॉल है एक बार बता दीजिए। सर ये GMS रोड है ना, सेंट जूड स्कूल है उसके पास में ही है हमारा 588 बेनीवाल हाउस, विद्या बुक कलेक्शन। ओके थैंक यू। नियर टू रियल लाइफ। अच्छा थैंक यू। बस यहाँ पे जिनका बुक फेयर लगा था ना, तो वो रावत जी हैं, उनकी शॉप है सेंट जूस के पास विद्या बुक स्टॉल, तो आप जाएं वहाँ पे, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, विजिट करें। तो स्कूल से बाहर निकले हम फटाफट, और मैं अंश को बोल रही थी लेट हो गया, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि आराध्या का टाइम हो गया था, हमें वहीं पे ही हो गए थे, वहीं पे ही 12:15 हो गए थे। तो गाइज ये स्कूल के पास ही फर्नीचर का है, ये क्या है, ये आशीर्वाद फर्नीचर। तो ये GMS रोड ओलंपस हाई स्कूल के पास में है, बहुत अच्छे फर्नीचर्स वगैरह हैं। तो ये GMS रोड पर है इनका फर्नीचर, आशीर्वाद फर्नीचर, आशीर्वाद फर्नीचर से है, अभी न्यू ओपन हुआ है, ढाई मंथ पुरानी फर्म थी हमारी पहले। अच्छा रेंट पे था ये, अभी अपना। अच्छा अच्छा आपका अपना अपना है, तो ये पूरा फ्लोर है ऊपर, तो आप बताएंगे जरा कैसा फर्नीचर है, क्या कैसा। हमारा सारा अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग रहती है। हाँ पे नीचे हमने बेड्स रखे हुए हैं, लाइटिंग रखे हुए हैं। अच्छा तरीके से कस्टमाइज हम करवा देते हैं। ऊपर हमने सोफाज वगैरह रखे हैं। अच्छा अच्छा बैठ उसमें और चल बैठ 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 मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं ये पे नीचे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अच्छा तो वहाँ सब नीचे मैन्युफैक्चर होता है, ऊपर चेयर स्टूडियो है। अच्छा अच्छा ऊपर है। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी सब कस्टमाइज वगैरह होगा आपका ना अपने यहाँ। ठीक है ओके थैंक यू। बस थोड़ा सा वहाँ से विजिट करने के बाद हम बाहर को, क्या नाम है बता, आराम सिंह। आराम सिंह और सुबह से लग जाता है, कितने बिक जाते हैं अभी तो थोड़ा ही काम ढीला है। अरे आराम सिंह से हमने गुलाब लिए, आराम से अच्छे होने चाहिए भाई, बढ़िया हो गए। यूट्यूब में आ रहा है तू, पूरा फेमस हो जाएगा। कोई नहीं फेमस। ठीक है। Few moments later. बस ये फ्लावर वाले से हमने रोज़ लिया और एक गेंदा लिया मैंने, उससे मजाक कर रही थी मैं। बस ये रास्ते में ये आइस बीटी के पास है, इतना जाम लगा रहता है, बहुत भयंकर जाम लगा रहता है, एक घंटे पे तो जाम लगा रहता है, उसी की वजह से हमें पूरा एक घंटा लगा। अभी मैं घर की तरफ आ गई हूँ ट्रेन शोरूम के अंदर से जाते हुए, और अब बस मैं कुछ ही देर में अपने घर में पहुंच गई। पहुंच गए हम अपनी गली में, मिलते हैं घर पर। फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ फटाफट। एक्चुअली मैं क्या, मेरी स्कूटी की चाबी में उसमें चाबी में ही रहती है ना, तो एक एक्स्ट्रा चाबी मैं अंश को देना भूल गई, फिर उसको यहाँ पे घर में छोड़ा, फिर आराध्या को लेने गई। आराध्या लेट हो गया था, आराध्या मेरे को डांटी, सारे स्कूल खाली हो गया था, आप मुझे तब लेने के लिए आए, क्योंकि 12:35 हो गया था, 12:40 हो गया था, मुझे अनुष को यहाँ पे छोड़ा, उसका PTM अटेंड करके फिर भागम भाग दौड़ करके मैं अपनी आराध्या को लेने गई। जस्ट मैं अभी आ रही हूँ, पर आराध्या खुश हो गई क्योंकि मैं आराध्या के लिए एग्जीबिशन था वहाँ पर, तो आराध्या के लिए मैं बुक्स लेके आई। आर यू हैप्पी आराध्या? आराध्या के लिए बुक्स लेके आई, तो मैं आराध्या खुश, आराध्या आईज ओपन, आराध्या को बुक्स लेके आई आराध्या की, दिखा आराध्या हैप्पी, आराध्या हैप्पी हो गई। सो गाइस मेरा आज का तो इतना हैटिक दिन था ना, बहुत ही ज़्यादा हैटिक दिन था मेरा काफ़ी। आराध्या एक गिलास पानी देना मुझे, बहुत ज़्यादा ही हैटिक था।
भागम दौड़ हो गई, क्योंकि प्रेशर ये हो जाता है कि आराध्या स्कूल में है, वहाँ पे लेट इसलिए हुआ, वहाँ पे एग्जीबिशन था वहाँ पर, तो फिर मैं बच्चों का ही था, तो मैंने कहा चलो आराध्या के लिए ले लूँ। आराध्या, छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, उसको ये नहीं कि मम्मी पीटीएम में गई, उसको लगा होता मम्मी बाहर गई है तो कुछ मेरे लिए लेके आएगी। तो उसके लिए मैं फिर बुक्स लेके आई थी, स्टोरी वाली बुक पढ़ना था, तो मैं उसके लिए लेके आई। फिर बस अभी आई हूँ, शायद मुझे एक गिलास पानी दे दे। अभी भागम भाग, बारिश का भी माहौल पूरा बन गया था, पर मैंने रेनकोट रखा हुआ था। अभी आई हूँ, तो ये था मेरा पूरा आज का रूटीन। जैसे कि सुबह उठी, मेरा डेली मॉर्निंग का शेड्यूल यही होता है, उठो, आराध्या को भेजो, फिर अपना काम करो और फिर बाकी काम करो। मेरे पीछे आप प्रेस देख रहे होंगे, मैंने सुबह प्रेस की थी, वो टेबल पे वैसी पड़ी है। अब लगूंगी मैं बाकी काम पे। तो ये था मेरा ब्लॉग। मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नहीं भी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आराध्या, सब्सक्राइब माय मॉम चैनल, बोलो सरप्राइज। मेरा मिट्टू देखो मिट्टू भी हो गया। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी या।